आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। आम आदमी पार्टी द्वारा यादव धर्मशाला में किया गया युवा सम्मेलन का आयोजन, जहां पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा पहुंचे। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में आज आम आदमी पार्टी द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी में आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अरुण हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली व पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना है, जिसकी शुरुआत आज महेंद्रगढ़ से हुई है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश आज बेरोजगारी व गुंडागर्दी में नंबर वन पर आ गया है। वही महंगाई लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है, साथ ही शिक्षा का स्तर भी नीचे जा रहा है। किस तरह से क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? आम आदमी यूथ विंग हरियाणा का एक प्रोग्राम हमने दो दिन पहले लॉन्च किया था, यूथ बैठक। उसका ये पहला प्रोग्राम आज महेंद्रगढ़ से शुरुआत हुई है। आने वाले एक महीने में 1000 बैठकें हम पूरे प्रदेश में करेंगे, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, गांव और शहरों में जाकर, और युवाओं को साथ, जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ेंगे। एक और एक बेहतरीन, जो पूरे देश में सबसे बेहतर प्रदेश का युवा संगठन स्थापित होगा, एक ऐसा संगठन हम बनाएंगे जो युवाओं के अधिकारों और हकों के लिए आवाज़ बुलंद करेगा और इस सरकार की खराब नीतियों के, बीजेपी जेजेपी की खराब नीतियों के खिलाफ युवाओं की आवाज़ को उठाएगा, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाएगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, तमाम जो हरियाणा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हरियाणा को बेरोजगारी में एक नंबर पर ये लोग लेकर गए, गुंडागर्दी में एक नंबर पर लेकर गए, और अच्छी शिक्षा, जो खराब शिक्षा स्तर नीचे गिरा दिया इन्होंने, उन सभी चीज़ों की लड़ाई हम लड़ेंगे और सरकार, जब भी चुनाव होंगे हम सरकार हम बनाएंगे। पीछे नगर पालिका के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली और पंजाब में इतना दिखा दिखाया, हरियाणा में इतना नहीं दिखा पाई, तो क्या पार्टी इस पर विचार करके जो कुछ कमियां रही इसको सुधारने का हरियाणा में प्रयास करेगी? देखिए, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर बढ़ा है, 10% से ज़्यादा हमारा वोट शेयर आया। तमाम दूसरी पार्टियों का वोट शेयर बहुत ज़्यादा गिरा है। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। छोटी मोटी कमियों को पूरा करके और मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में लड़ेंगे, और हर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर मौजूद है और जीतेंगे भी। आगे यही चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी अपने जो युवा साथी है उनको इन चुनाव के अंदर अपने पार्टी सिंबल पर मौका देगी? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी हमारे चुनाव में लड़ेंगे। हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, कुछ सर्वे होते हैं, कुछ उनको नाप तोला जाता है, करेक्टर में सही हो, कोई लांछन ना हो, कोई केस ना चल रहे हो, कोई करप्शन का मामला ना हो, जनता चाहती हो, तो इन सब मापदंडों पर जो युवा खड़े उतरेंगे उन सबको चुनाव लड़ाया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि 30-40% से ज़्यादा हमारे युवा साथी इन चुनाव में टिकट के दावेदारी पर। ये जो कार्यक्रम है युवा का, कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पूरे हरियाणा में किया जाएगा, प्रदेश स्तर की बैठकें होंगी, जिला स्तर की, लोकसभा, विधानसभा, गाँव और शहरों की।